हे व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्त्री वर्ल्ड। आज मेरे दिन की शुरुआत हुई थी सुबह 4:30 बजे। अभी ठंड बहुत ज़्यादा है तो मुझे सुबह उठने का उतना मन नहीं करता है, लेकिन KVS का एग्ज़ाम भी होने वाला है तो अभी मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकती हूँ KVS के एग्ज़ाम से या अपनी प्रिपरेशन से, तो इसलिए मैं सुबह उठ जा रही हूँ पढ़ाई करने के लिए। सुबह उठने के बाद मैं एक गिलास गर्म पानी पी ले रही हूँ और इसके बाद मैं सीधे लग जाऊँगी पढ़ाई में। सुबह के 4:45 हो गए हैं और अब मैं अपना टाइमर ऑन कर दूंगी और आज का जो मेरा फर्स्ट सब्जेक्ट है वो है CDP। CDP में मैं आज सारी लर्निंग थ्योरीज पढ़ रही हूँ, जैसे कि जेरोम ब्रूनर की थ्योरी, पियाजे की थ्योरी, लेव वाइगोत्स्की की थ्योरी, कॉलबर्ग मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी, थ्योरी ऑफ अटैचमेंट बाय जॉन बॉलबी, इसके अलावा क्लासिकल कंडीशनिंग बाय पावलव और B.F. स्किनर की भी थ्योरी और E.L. थॉर्नडाइक की भी थ्योरी को मैंने पढ़ा है। स्टार्टिंग मैंने जेरोम ब्रूनर की थ्योरी से की थी और इन थ्योरीज़ को मैंने पहले भी बहुत बार पढ़ा है। अगर आप मेरी वीडियो फॉलो करते होंगे तो आपको ये बात पता ही होगा, लेकिन मैं इन थ्योरीज़ को बार बार रिविज़न करती रहती हूँ क्योंकि बहुत सारी थ्योरीज हैं, उनमें बहुत सारे प्रिंसिपल्स दिए होते हैं, बहुत सारे लॉज दिए होते हैं जिनको अच्छे से लर्न करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो बार बार रिविज़न करने से क्या होता है कि हमारा कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग हो जाता है। ये जो मैंने नोट्स बनाए हैं ये मैंने कोई 1 या 2 दिन में नहीं बनाए हैं, मैं 8 से 9 महीने से तैयारी कर रही हूँ और मैंने DSSSB का बैच भी परचेज किया हुआ था हिमांशु मैम का, तो मैंने वहीं से ये नोट्स प्रिपेयर किए हैं। CDP का जो पोर्शन है DSSSB के लिए वो बहुत ही ज़्यादा वास्ट है, तो मैंने CDP को एकदम वास्ट तरीके से एक बार पढ़ लिया है और KVS की जो पेडागॉजी या CDP का पोर्शन है वो इसके अंदर आ जाता है। तो कहीं ना कहीं मेरे अंदर थोड़ा सेटिस्फैक्शन भी है कि मैंने पहले से पढ़ाई की है और पहले से मैं केवल टीचिंग एग्ज़ाम्स की ही प्रिपरेशन कर रही थी, तो इसलिए मुझे थोड़ा अच्छा भी लग रहा है कि KVS की वैकेंसी आ गई है तो इतना पढ़ा हुआ मेरा वेस्ट नहीं जाएगा। यहाँ पर मैं ज्ञाने की हायरार्किकल थ्योरी पढ़ रही थी तो मुझे समझ नहीं आ रहा था थोड़ा, तो मैंने हिमांशी मैम की वीडियो लेक्चर को ओपन कर लिया है और वहाँ से मैं इन्हें देखकर अच्छे से समझ रही थी। आज मैं आपको एक सजेशन देने वाली हूँ कि YouTube पर कोर्सेज की भरमार हो गई है, सभी टीचर्स कह रहे हैं कि मेरा कोर्स ले लो, मेरा कोर्स ले लो, और ऐसा नहीं है कि सभी टीचर्स खराब पढ़ाते हैं, लेकिन मैं आपको बताती हूँ कि आप एक ही टीचर पर रिलाई करिए, आपको जिस टीचर से पढ़ना पसंद है आप उसी को फॉलो करिए और उसी पर ट्रस्ट दिखाइए। जैसे अगर आप मुझसे पूछते हैं तो मैं आपको हमेशा कहती हूँ कि मैं हिमांशी मैम को फॉलो करती हूँ, तो मैं आपको यही कह रही हूँ कि YouTube पर जितने भी कोर्सेज अभी आए हैं सब 700 से 800 के रेंज में आ गए हैं, तो आपको पैनिक होकर सभी जगह से कोर्सेज खरीदने की ज़रूरत नहीं है। कहीं ऐसा ना हो कि आप सभी जगह से कोर्सेज खरीद लें और एग्ज़ाम आने तक आप एक भी टीचर को अच्छे से फॉलो नहीं कर पाएँ। आप किसी भी एक टीचर पर ट्रस्ट दिखाइए और उन्हीं के नोट्स को पढ़िए। 10 जगह से पढ़ने से अच्छा है कि आप एक टीचर के नोट्स को 10 बार पढ़ लें, उससे आपका कॉन्सेप्ट जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। बहुत सारे लोग आपको कहेंगे कि मेरा कोर्स ले लो या फिर इसका कोर्स ले लो, ये आपके लिए बेनिफिशियल होगा, लेकिन आपके लिए बेनिफिशियल क्या होगा ये सिर्फ आप समझ सकते हैं, कोई दूसरा आपको ये नहीं बता सकता है। तो आप क्या करिए कि मेनली 5 से 6 टीचर्स हैं जो पढ़ा रहे हैं KVS के लिए, आप जाइए आप उनकी पुरानी वीडियोज़ विज़िट करिए, कोई भी वीडियो ओपन करिए, और अगर 5 टीचर्स के आप एक एक वीडियो भी देख लेते हैं ना तो आपको इतना आइडिया मिल जाएगा कि आपको किस टीचर से ज़्यादा समझ आ रहा है, और फिर आपको जिस टीचर से भी ज़्यादा समझ आ रहा है आप उनका बैच जो है वो परचेज़ कर लीजिए। मैं आपको यही सजेस्ट कर सकती हूँ। अगर आप मेरे से पूछेंगे तो मुझे हिमांशी मैम की सारी वीडियोस बहुत अच्छी लगती हैं, उनके कॉन्सेप्ट मुझे समझ आते हैं, तो मैं केवल उन पर ही ट्रस्ट करती हूँ। इसलिए आप अभी पैनिक सिचुएशन में मत जाइए, कौन क्या कह रहा है इससे आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए, आपके लिए क्या अच्छा है आप खुद डिसाइड करिए, सारे टीचर्स के पुराने वीडियोस को विज़िट करिए और देखिए कि आपको कुछ समझ आ भी रहा है उनसे या नहीं, और जिनसे ज़्यादा समझ आ रहा है आप उनके कोर्स परचेज़ कर लीजिए। मैंने 1-2 कोटेशंस लिखकर अपने दीवार पर चिपका दिया है क्योंकि अभी हाई टाइम है पढ़ाई करने का, तो मैं चाहती हूँ कि मेरी जिधर भी नज़र पड़े मुझे बस एक ही मैसेज मिले कि मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत करना है और मैं मेहनत करना चाहती भी हूँ। बेड अरेंज करने के बाद मैंने अपने पूरे रूम में झाड़ू लगा दिया है और झाड़ू लगाने के बाद मैं फ्रूट्स खाऊंगी क्योंकि अभी मैं चाहती हूँ कि मेरी एनर्जी थोड़ी हाई रहे, क्योंकि इसके बाद मुझे आज बहुत सारा काम करना है, मुझे मार्केट भी जाना है सब्ज़ियाँ खरीदने के लिए, तो मैं फ्रूट्स खाने के बाद ही जाऊंगी क्योंकि
उतने देर भूखे रहना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, स्पेशली जब हम सुबह उठकर पढ़ते हैं तो हमें थोड़ी भूख लग ही जाती है, तो इसलिए अभी मैं फ्रूट्स खा रही हूँ। यहाँ पर मैं और मेरी बहन हम दोनों बातें कर रहे थे और कुछ हंसी मजाक की ही बातें चल रही थी, लेकिन जब मैं और मेरी बहन बातें करना शुरू करते हैं तो बातें काफ़ी लंबी चल जाती हैं, तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि थोड़ा सा कॉन्वर्सेशन को रिड्यूस कर सकूँ, क्योंकि ज़्यादा बात करने से बहुत ज़्यादा टाइम भी वेस्ट हो जाता है और अभी उतना टाइम नहीं है कि मैं वेस्ट करूँ। आप सभी से भी कल बातें करके बहुत अच्छा लगा था और आपके कमेंट्स बहुत जल्दी जल्दी पार हो रहे थे, लेकिन जिनके कमेंट्स के जवाब मैं नहीं दे पाई हूँ, मैं नेक्स्ट टाइम जब भी लाइव आऊँगी आपके कमेंट्स के जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगी। इसके बाद मैं मार्केट जाने के लिए रेडी हो रही हूँ और अपनी स्कूटी निकाल रही हूँ। ये जो मेरी स्कूटी है ना, जब न्यू थी तो मैं इसकी बहुत केयर करती थी, लेकिन अब ये पुरानी हो गई है तो मैंने इसका केयर करना भी छोड़ दिया है। लेकिन बाहर निकलने के बाद बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी और जब हम सुबह सुबह स्कूटी से जा रहे थे सब्ज़ी ख़रीदने के लिए, तब भी हम बातें करते करते ही जा रहे थे। जब मैंने स्टार्टिंग में स्कूटी चलाना शुरू किया था तो मैं किसी के एक बात भी नहीं सुनती थी, मेरा पूरा कंसंट्रेशन स्कूटी चलाने पर होता था, लेकिन अब मैं बहुत आराम से चला लेती हूँ, सबसे बातें करते हुए चला लेती हूँ, एक हाथ से भी चला लेती हूँ, मतलब अब मैं स्कूटी चलाने में बहुत ही ज़्यादा एक्सपर्ट हो गई हूँ। आज बहुत ही ज़्यादा ठंड थी और मुझे बहुत अफसोस हो रहा था कि मैं अपने ग्लव्स पहनकर क्यों नहीं आई हूँ, और इसलिए मैं अपने हाथों को ऐसे बीच बीच में गर्म करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन फिर भी जैसे तैसे हम पहुँच गए सब्ज़ी मार्केट सब्ज़ी ख़रीदने के लिए। आज हमें बहुत ढेर सारी सब्जियां ख़रीदनी थी क्योंकि आज हम एक बहुत ही स्पेशल डिश बनाने वाले थे और उस डिश का नाम है पाव भाजी। पाव भाजी के लिए बहुत सारी सब्जियों की ज़रूरत होती है, जैसे बीन्स, गाजर, फूलगोभी और भी बहुत सारी सब्जियों की, तो मैं सभी सब्जियां ख़रीदने के लिए मार्केट आ गई थी। सारा काम ख़त्म करने के बाद अब मैं नहाकर बिल्कुल फ्रेश हो गई हूँ। आज बहुत ठंड थी, नहाने का तो मन बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन जब हम झाड़ू पोछा कर लेते हैं तो उसके बाद नहाने का मन कर ही जाता है, तो बस मैं नहाकर रेडी हो गई हूँ और इसके बाद जितने भी कपड़े हैं सारे कपड़े डालने के लिए छत पर चली गई हूँ। आज मुझे बहुत सारे कपड़े धोने थे, 2-3 दिनों से मैंने अपने कपड़े धोए नहीं थे, बस मैं उनको बाथरूम में ऐसे ही रख दे रही थी, तो आज सारे कपड़ों को मैंने वॉश कर लिया है। देखिए अभी दिन के 11:30 बज रहे थे, लेकिन धूप का नामो निशान नहीं है और ऊपर से कि बहुत ही ज़्यादा कुहासा और बहुत ही ज़्यादा हमें ठंड भी लग रही थी, लेकिन मैं आपको क्या बताऊँ, मुझे ऐसा ही मौसम बहुत ज़्यादा पसंद है, ये मौसम मेरी फेवरेट है। मुझे ऐसा लगता है कि ठंड के दिनों में एनर्जी थोड़ी हाई रहती है, हम जल्दी से थकते नहीं हैं, हमें थकावट का एहसास कम होता है और किसी भी काम को हम थोड़ा ज़्यादा एफिशिएंसी से कर पाते हैं, ये मेरी थॉट है। अब हम कर रहे हैं ब्रेकफास्ट और ब्रेकफास्ट में मैंने बनाया था पाव भाजी। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं इसकी रेसिपी आपके लिए डाल दूँगी। फाइनली सारा काम करने के बाद 12:00 बज गए हैं और अब मैं अपनी पढ़ाई दोबारा से स्टार्ट करने जा रही हूँ। आज का मेरा नेक्स्ट सब्जेक्ट जो है वो है EVS, और आज मैंने हिमांशी मैम के टेलीग्राम चैनल से EVS का एक नोट्स, वन लाइनर नोट्स डाउनलोड किया था, तो मैं सोच रही हूँ कि आज मैं पहले उसी वन लाइनर नोट्स को पढ़ लेती हूँ, क्योंकि जब मैंने किरण का फर्स्ट मॉक टेस्ट दिया था तो उसमें जो क्वेश्चंस आए थे वो एकदम बेसिक से क्वेश्चन थे, 3-5 क्लास के क्वेश्चंस थे, जो 3-5 के EVS के बुक होते हैं उनसे क्वेश्चंस पूछे गए थे, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इन सारे क्वेश्चंस को एक बार फिर से मैं रिविज़न कर लूँ। CTET में तो मैंने इन्हें पढ़ा ही था, लेकिन CTET दिए मुझे लगभग 1 साल हो गया है, तो अब उन सारे कॉन्सेप्ट्स को मैं भूल गई हूँ, इसलिए मैंने सोचा कि पहले मैं 3-5 वाली EVS को बहुत अच्छे से आज कंप्लीट कर लेती हूँ। अब मैं नोट्स बनाने पर ज़्यादा ध्यान नहीं दूंगी, PDF फॉर्मेट में जो भी है PDF फॉर्मेट में ही पढ़ूंगी और उसी में अपनी हैबिट डेवलप करूंगी कि मैं फ़ोन से ही देखकर किसी भी चीज़ को लर्न कर लूँ, क्योंकि नोट्स बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है, जितना नोट्स बनाना था उतना मैंने बना लिया है, अब नहीं बनाऊँगी। लगभग 1.5 आवर में मैंने 24 पेजेस पढ़ लिए हैं, क्योंकि इतना भी टफ नहीं था, टोटल 35 पेजेस की नोट्स थी, तो मैंने 24 पेजेस कंप्लीट कर लिए थे और इसके बाद मैंने रेस्ट लिया था लगभग 45 मिनट का, और अब मैं आ गई हूँ सेट सॉल्व करने के लिए।
आज मैं अपना दूसरा मॉक दे रही हूँ और मॉक के लिए मैं किरण पब्लिकेशन की बुक यूज़ कर रही हूँ। इस बुक में आपको हर सेट में, मतलब मैंने जब सेट वन बनाया था और अब मैं सेट टू बना रही हूँ, तो दोनों सेट में मुझे 4 से 5 क्वेश्चंस ऐसे लगे जो कि बिल्कुल जिनका आंसर गलत दिया हुआ था। एक क्वेश्चन मैं आपको पढ़कर सुनाना चाहूँगी और आप बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से हैं, कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन रिफर्स असेसमेंट ऑफ, इसके ऑप्शंस हैं ए को करिकुलर एक्टिविटीज़, बी एकेडमिक सब्जेक्ट्स, सी बोथ स्कोलेस्टिक एंड को स्कोलेस्टिक एरियाज, सी समेटिव असेसमेंट टेस्ट। मैंने इसका आंसर टिक किया था बोथ स्कोलेस्टिक एंड को स्कोलेस्टिक एरियाज, लेकिन इसमें आंसर को करिकुलर एक्टिविटीज़ दिया हुआ है, तो आप बताइएगा कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। आज जो मैंने सेट दिया था उसके मार्क्स तो मैं आपको एंड में बताऊंगी ही, लेकिन मैं आपको एक और चीज़ बता देती हूँ कि आज हिंदी में मेरी बहुत ज़्यादा गलती हुई है, क्योंकि हिंदी के क्वेश्चंस थोड़े अटपटे थे तो मुझे थोड़ा समझ भी नहीं आ रहा था और मुझे लग रहा था कि हिंदी थोड़ा इसमें टफ दिया हुआ था। हिंदी के मेरे टोटल 10 क्वेश्चंस रॉन्ग हुए हैं। अब मैंने अपना टाइमर ऑफ कर दिया है। इस तरह से मैंने आज भी 6 घंटे की पढ़ाई पूरी कर ली है और अब मैं जा रही हूँ अपने मॉक टेस्ट को चेक करने के लिए कि मेरे कितने क्वेश्चन सही हुए हैं और कितने क्वेश्चन रॉन्ग हुए हैं। अभी मैं केवल ये चेक कर रही हूँ कि मेरे कितने क्वेश्चन सही हैं और कितने क्वेश्चन गलत हैं। बाद में रात में मैं इसका पूरा एनालिसिस करूँगी, जो जो क्वेश्चन मेरे रॉन्ग हुए हैं उन्हें फिर से बनाऊँगी और उन्हें लर्न भी करूँगी। तो ये मेरा रात का काम है, अभी के लिए बस इतना ही। आज मैंने टोटल 156 अटेम्प्ट किया था, जिसमें मेरे 126 क्वेश्चन सही हुए हैं और 30 क्वेश्चन रॉन्ग हुए हैं। और इन 30 क्वेश्चंस में मेरे 10 क्वेश्चंस केवल हिंदी से रॉन्ग हुए हैं और मुझे बहुत बुरा लग रहा है। तो कल से मैं हिंदी को थोड़ा टाइम दूंगी और क्रिया विशेषण संज्ञा सर्वनाम जो भी है सभी को अच्छे से मैं रिवाइज करूंगी। लेकिन एक बात यहाँ पर देखिए, मेरे फर्स्ट मॉक में 122 मार्क्स आए थे, अभी 126 आए हैं। तो ऐसे ही जब आप मॉक सॉल्व करते हैं तो धीरे धीरे आपके नंबर जो है वो इंक्रीज़ होने लग जाएंगे। इसके बाद मुझे ट्यूशन पढ़ाना था तो मैं ट्यूशन पढ़ाने आ गई थी और आज मैं अपने स्टूडेंट्स को ह्यूमन आई पढ़ा रही थी। ह्यूमन आई में भी मैं डिफेक्ट्स ऑफ आई उन्हें समझा रही थी। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे ज़रूर लाइक कर दीजिए। मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए। इसी तरह के मोटिवेशनल स्टडी ब्लॉग के साथ मैं आपसे मिलती रहूँगी, आपका हौसला बढ़ाती रहूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।